सो गाइस, आप लोगों ने मेरी रियल लाइफ स्टोरी की पार्ट वन में देखा था कि मेरे दोस्त ने एक आंटी को कैसे पटाया एंड वो आंटी मेरा दोस्त का किस तरीके से काट रही थी। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि जिसे सुनने और देखने के बाद आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। सो बस यार, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि यहां पे आपको ऐसे मजेदार कंटेंट मिलती रहती है। यकीन नहीं होता तो करके देख लो मेरे भाई, तो बांध लो आप अपनी कुर्सी की पेटी, क्योंकि बाद में आप हंसते हंसते नीचे गिर भी सकते हो। तो जैसे मेरे दोस्त के पापा मुझे आके कहने लगे कि सोनू आजकल क्या हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं, ना जाने क्यों मेरा दुकान दिन ब दिन डूबते जा रहा है। ऐसे मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो दिन ब दिन मेरा दुकान ऊपर उठने के बजाय खत्म होते जा रहा है? कहीं मेरा बेटा तो दुकान का पैसा चुरा के कहीं पे खर्च तो नहीं कर रहा है? मैंने कहा, नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल तो आपका बेटा मेरे से उतना घूमता भी नहीं है। मतलब मैंने उनको यहाँ पे झूठ कह दिया, क्योंकि अगर उनको गलती से भी ये बात पता चल जाती कि उनका बेटा किसी काम वाली आंटी के साथ लग के उनका दुकान का पैसा उड़ा रहा है, तो उसके साथ साथ मेरी भी पिटाई हो जाती। और फिर मैं अपने दोस्त से मिलने गया और उससे कहा कि भाई, तू जिसे लड़की समझ के पैसा लुटा रहा है, असल में वो कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक काम वाली आंटी है। फिर वो मुझे कहता है, चल चल अपना ज्ञान मत फेल, वो लड़की है और अब तो मैं उससे शादी करूंगा, क्योंकि मैंने उसको करीब 20,000 रुपए दे दिया है। अब मैं ये सुन के एकदम से शॉक रह गया और कहने लगा, क्या 20,000 रुपए दे दिया तूने? तब वो कहता है, हां तो क्या हुआ, मुझे उससे शादी करनी है। तब मैंने कहा, अच्छा तो ऐसा है, फिर तो तू उसे वीडियो कॉल करने को कह, तुझे खुद पता चल जाएगा कि वो लड़की है कि आंटी है। लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, और तो और उल्टा वो मुझ पे ही भड़क रहा था। फिर काफी बार बोलने के बाद फाइनली उसने उस आंटी को वीडियो कॉल करने को कह ही दिया, तो वो आंटी बहाना मारने लगी कि बेबी, अभी मम्मी पापा सामने है तो मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती। तब मैंने अपना दोस्त का फोन खींच के लाया और मैं खुद से उसे मैसेज करने लगा एंड उसे कहा, मुझे तुम्हारा शक्ल देखने का बहुत मन कर रहा है, बस तुम अपना फेस ही दिखा दो। और फिर उसे काफी टाइम तक मनाने के बाद उसने कहा, ठीक है बस 5 मिनट रुक जाओ। फिर हम दोनों दोस्तों ने उसका करीब आधा घंटा तक वेट किया और जैसे मेरे दोस्त ने वीडियो कॉल लगाया तो भैया अचानक से एक मोटी सी काली सी भैंस की तरह दिखने वाली औरत वीडियो कॉल में आती है। सेम टू सेम ऐसा हालत हुआ था एंड वो आंटी तो वीडियो कॉल पे आते ही हाई बेबी कहती है, तो मेरा दोस्त शर्म के मारे वीडियो कॉल ही कट कर देता है और मैं एकदम से हंसने लगता हूँ। तो मेरा दोस्त शर्म के मारे अपना घर दौड़ के आता है और रूम में जाके रोने लगता है। तब मैंने अपने दोस्त को कहा, और भाई आ गया स्वाद, मैंने कहा था ना पैसा मत लुटा, पैसा मत लुटा, लेकिन तू तो उल्टा मुझ पे ही भड़कता था, तो अब मुझे तू खुद बता, क्या तू अब उसी से शादी करेगा? फिर वो कहता है, हर साले शादी तो दूर, अब मैं उससे एक बात भी नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी बेचारा बहुत रो रहा था, क्योंकि 20,000 रुपए जो लुटा था एंड उतना होने के बाद भी वो आंटी मेरे दोस्त को रोज कॉल किया करती थी और मैं अपने दोस्त को उठा के बात करने को कहता था, लेकिन वो शर्म के मारे बात ही नहीं करता था एंड मैंने अपने दोस्त को बहुत चिढ़ाना शुरू किया, तो वो मुझसे दूर दूर भागने लगा। फिर कुछ दिन बाद मैंने उस आंटी को अपना इंस्टाग्राम से मैसेज करके कहा कि मैडम, कुछ दिन पहले आप जिस लड़के से बात कर रही थी वो मेरा ही दोस्त था एंड वो कह रहा था कि आपने उसका 20,000 रुपीस लिया है, तो आप उसका पैसा वापस कर दो। लेकिन भैया उस आंटी का रिप्लाई तो दूर, उसने मेरे दोस्त के साथ साथ मुझे भी ब्लॉक कर दिया। तब मेरा दोस्त उस पैसों को लेकर इतना रोया कि कहो ही मत एंड उसको उस आंटी से बातें करने की आदत भी बन चुकी थी, तो वो अकेला गुमसुम गुमसुम रहने लगा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर ऐसे ही कुछ दिन तक तो चलता रहा, लेकिन फिर भी उसका लड़की पटाने का भूत नहीं उतरा था। तो एक दिन मुझे वो आके कहता है कि सोनू एक लड़की पटा देना, बहुत बोरिंग फील होती है यार। तब मैंने कहा, क्यों आंटी से मन नहीं भरा क्या? फिर वो कहता है, साले उस बात को छोड़ना, बार बार याद मत दिला। मतलब मैं हमेशा उसको उसी बात को लेकर चिढ़ाया करता था, तो वो शर्म के मारे कुछ भी कह देता था एंड वो मुझे बहुत फोर्स करने लगा कि सोनू यार, जो भी हो जैसे भी हो, तो मुझे लड़की पटा के दे। लेकिन मुझे खुद ही लड़की नहीं मिल रही थी, तो मैं भैया अपने दोस्त के लिए कहां से लड़की पटाता? लेकिन फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने भी कह दिया, तू बस शाम तक का वेट कर, लड़की तेरे कदमों में होगी। तो वो मेरी बातें सुनके एकदम से हंसने लगा और मैं उसे लड़की पटा दूंगा बोल के वो मुझे चैलेंज करने लगा कि चल दिखा तेरा कितना हिम्मत है, मैं भी देखता हूँ। अब मैं भी मन ही मन सोच रहा था, हाँ हाँ अपना फायदा के लिए तो तू चैलेंज करेगा ही ना। एंड फिर मैंने उसका फोन लेके फेसबुक ओपन किया और जितनी भी लड़की थी सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही लड़की ने मेरा दोस्त का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मतलब भाई लिटरली हमने करीब 80-90 लड़की को लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन अब मुझे खुद पता नहीं है कि उन लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। शायद मेरा दोस्त का शकल ही खराब होगा। और जिन 2 लड़की ने मेरा दोस्त का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था उनको मैं और मेरे दोस्त मिलके मैसेज करने लगे। पहले तो हम लोगों ने हाई येलो कहा एंड उनका भी हाई येलो का रिप्लाई तो आया, लेकिन जैसे हमने पूछा कि कहां से हो तुम, तो जवाब में तुम्हें उससे क्या लेना देना मिला, मतलब भाई गजब बेइज्जती हो गया एंड मैंने वो फोन अपना दोस्त को ही दे दिया। और जैसे मैंने अपने दोस्त को फोन दिया तो वो घर जाके यूट्यूब में देखने लगा कि लड़की कैसे पटाए, और यही सब देखते देखते साले को एक ऐड मिला जिसमें कि आप लड़की से बातें कर सकते थे। मतलब अब समझो यार, वो ऐप बहुत गंदी थी जिसे देखते ही मेरे दोस्त ने डाउनलोड किया।
किया और डाउनलोड करते ही उसने वीडियो कॉल लगाना शुरू किया। तब उसको ऐड के तौर पे कुछ लड़कियां मिली तो भैया वो पूरा लालच में आ गया और उस ऐप में 1500 का रिचार्ज करके लड़कियों से बातें करने लगा। यहाँ तक तो सीन ठीक था, पैसा भी जा रहा था और मजा भी बराबर आ रहा था। लेकिन मामला तो तब गड़बड़ हुई जब उसको एक लड़की ने उसी वीडियो कॉल पे नंबर मांगा और जैसे उस लड़की ने नंबर मांगा तो भैया मेरे दोस्त ने उसे नंबर भी दे दिया और नंबर मिलते ही उस लड़की ने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें बहुत सी अश्लील चीजें हुई थी। फिर वो लड़की मेरे दोस्त को कहने लगी कि अगर तू मुझे 10,000 रुपीज नहीं देगा तो मैं तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगी। मतलब वो पूरा ब्लैकमेल करने लगी मेरे दोस्त को। तब मेरा दोस्त वहीं पे रोने लगा और फिर उसने मुझे कॉल करके बुलाया। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो कहता ऐसा ऐसा ऐप डाउनलोड किया था और उस लड़की ने मेरा वीडियो बना लिया एंड अब वो वीडियो डिलीट करने की 10,000 रुपीज मांग रही है। फिर मैं समझ गया कि इसका उन लोगों ने नूड वीडियो बना लिया है और वो लड़की बार बार मैसेज में धमकी दे रही थी कि जल्दी कर जल्दी वरना मैं अभी वायरल करती हूँ। तब मेरा दोस्त डर के मारे बहुत रो रहा था एंड मैंने उस लड़की को सीधा कह दिया, जा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। फिर उसका भी रिप्लाई आता है, अच्छा तो अब देख क्या करती हूँ। लेकिन मुझे पता था ऐसी गंदी वीडियो कहीं पे भी अपलोड होती है तो वो अपने आप डिलीट हो जाती है और यूट्यूब में तो 1 सेकंड नहीं लगता भाई। फिर इतना बोलने के बाद भी वो लड़की मैसेज में कहने लगी कि अब तेरे सारे रिलेटेड लोगों को ये वीडियो भेजती हूँ, पेमेंट करना है तो जल्दी कर। तब मैंने उस लड़की को इतना गाली दिया कि कहो ही मत एंड इतना गाली देने के बाद उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन जैसे मैंने उस लड़की को ब्लॉक किया तो मेरा दोस्त डर के मारे मुझे कहने लगा, नहीं भाई पैसा दे देते, क्या पता वो मेरी वीडियो वायरल कर दे। तब मैंने कहा अगर तूने उसे 10,000 रुपए दे दिया तो वो वीडियो डिलीट नहीं करेगी, तुझे फिर से वो पैसा मांगेगी, तब क्या करेगा वो। तब वो कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं क्या करूं। फिर मैंने उसका फोन में जो ऐप था उसको भी डिलीट कर दिया और उसका फोन पूरा रिसेट मार दिया। फिर ऐसे ही करते करते लगभग 3-4 दिन बीत गए। तब मेरा दोस्त पूरा डिप्रेशन में चला गया, मतलब वो अकेला अकेला रूम में रहता था और अकेला अकेला बातें क्या करता था, पूरा पागल जैसा बन चुका था बेचारा। क्योंकि जितना भी कांड होता था साला हमेशा फंसा करता था, मुझे खुद पता नहीं उसी के साथ ऐसा क्यों होता था। फिर उतना होने के बाद भी उसने दिन दहाड़े एक लड़की को सीटी मार दिया तो वो लड़की सीधा आके मेरे दोस्त को कान के नीचे 2 थप्पड़ खींच के लगाती है और ये बात पूरा गांव में फैल जाता है। मतलब भाई उसकी पूरी बेइज्जती हो गई। और आप लोगों को तो पता ही है अगर गांव में कोई भी चीज मिलता है तो उसको लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो मेरे दोस्त के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, किसी ने कहा उसको एक लड़की ने चप्पल से मारा तो किसी ने लात घुसा से मारा, मतलब हर जगह मेरा ही दोस्त का बेइज्जती होने लगा। और तो और ये बात मेरे दोस्त के पापा को भी पता चल गई तो उन्होंने अपने बेटे की एकदम जम के धुलाई कर दी। लेकिन इतना होने के बाद जिस दुकान से मेरा दोस्त उस आंटी को पैसा भेजा करता था उस दुकानदार ने मेरे दोस्त के पापा को आके सब कुछ बता दिया। मतलब कि जिस आंटी के ऊपर मेरे दोस्त ने 20,000 रुपीज उड़ाया था वो सब कुछ सीन उस दुकानदार ने मेरे दोस्त के पापा को बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो जानेंगे हम लोग पार्ट 3 में। तो अगर आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 3 जरूर से लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ब्लॉग चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, जिसका नाम है सोनू ब्लॉग और आप लोगों को लिंक भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जो कि पिन कर दिया है मैंने। एंड वहां पर आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा तो फॉलो करना चाहो तो जरूर से कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी रील वगैरह अपलोड करते रहता हूँ एंड इसी के साथ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह देता रहता हूँ और ब्लॉग चैनल पे तो मतलब बहुत ही खतरनाक ब्लॉग अपलोड करता हूँ, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत मजा आएगा। सो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कर दो यार, कुछ भी नहीं जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।